यार क्या है यार ये दैट यू आर मास्टर ऑफ कार्ड्स यू नो यू आर मास्टर ऑफ कार्ड मैजिक नाउ दैट इज अमेजिंग हाय गाइस वेलकम टू आवरा का डावरा और आपने पिछले एपिसोड्स को बहुत सारा प्यार दिया है आप सब एक्टिवली गिव अवे में पार्टिसिपेट कर रहे हैं सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट आज मैं आपको जिस मैजिशियन से मिलाने वाला हूं वो बहुत ही कमाल के हैं आप मेरे आवाज़ में देख सकते हो थोड़ा सा भारीपन है बिकॉज आई एम लिटिल बिट सिक बट स्टिल मैंने कहा कि नहीं यार कमिटमेंट होता है तो आज हम लोग एक ऐसे मैजिशियन से मिलाने वाला हूँ जिन्होंने बहुत बड़े अभी एक फिल्म आई थी अक्षय कुमार की जिसमें वो मैजिशियन बने थे उसके अंदर वो मैजिक कंसल्टेंट में असिस्टेंट थे ही डज लॉट ऑफ कॉर्पोरेट शोज़ वो काफ़ी कॉर्पोरेट शोज़ करते हैं वो भी आईपैड मैजिक करते हैं उनका मैजिक स्टाइल मुझे काफ़ी पसंद है आई हैव मेट हिम ही इज़ वेरी स्वीट गाय वेरी जेम ऑफ अ गाय तो मैंने सोचा कि आपको उनसे मिलाना चाहिए उनका नाम मैंक है मैजिशियन मैंक मैं उनका इंस्टाग्राम आईडी भी नीचे डाल दूंगा उनका यूट्यूब भी डाल दूंगा तो उनको भी जाके फॉलो कर लीजिएगा ताकि आप लोग और भी मैजिकल कंटेंट देख सकें तो चलिए मिलाते हैं आपको मैजिशियन मैंक से और देखते हैं उनके पास मैजिक क्या है लेट्स सी लेट्स बिगिन राजेश कुमार आवरा कडावरा मैंक के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है ही इज सच अ वंडरफुल गाय और आई एम हिज बिगेस्ट फैन मुझे लगता है कि अगर मैं उसके 5% भी टैलेंटेड होता ना उसके 5% भी क्रिएटिविटी मेरे अंदर होता तो मैं यार दुनिया लूट लेता बट मैं थैंक यू सो मच यार फॉर कमिंग फॉर आवरा का डावरा इन सच अ शॉर्ट नोटिस एंड मैं आवरा का डावरा का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है कि हम एक गेस्ट को बुलाते हैं एक सुपरस्टार म्यूजिशियन को बुलाते हैं और उनके ऊपर छोड़ देते हैं जो वो दिखाना चाहें हमारी ऑडियंस को दिखाए और मैंने ऑलरेडी आपका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है आपके इंस्टाग्राम को डाल कर तो वो लोग आपको बाद में जाकर के चेक कर लेंगे आपके पुराने वीडियोस सब देख लेंगे और नई वीडियोस को देख लेंगे मयंक दिखाओ यार क्या दिखाना चाहते हो आई लव मैजिक आई वॉन्ट टू बिकम अ बेबी अगेन आई वॉन्ट टू बिकम चाइल्ड अगेन आई वॉन्ट सी योर मैजिक ओके आई ट्राई माय बेस्ट भैया एज भैया टोल्ड में आपने बताया कि मेरा नाम मयंक है और मैं स्पेशलाइज्ड हूँ कार्ड मैजिक में ओके सो सब कुछ करता है और क्या करता है ये आईपैड मैजिक इतना सही करता है आईफोन मैजिक इतना सही करता है कॉइन मैजिक इतना सही करता है ही इज एन ऑलराउंडर ही इज जस्ट ट्राइंग टू बी हम्बल थैंक यू एक्चुअली भैया इस बार बट मैं कार्ड यूज करूंगा डेक ऑफ कार्ड्स और मैं आपके साथ कुछ ट्राई करूंगा ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक श्योर दैट सारे कार्ड्स डिफरेंट है राइट यस सारे कार्ड्स डिफरेंट है हां सारे कार्ड डिफरेंट है मैं आपको फिर भी एक बार दोबारा से दिखा देता हूं यस इट्स ऑल डिफरेंट नॉर्मल डेक तो बहुत आईडिया से सिंपल सा आईडिया है फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी जस्ट गिव दिस टू कार्ड्स ओके मैं एक ऐसे रिफिल करूंगा डेक को okay. और आपको कहीं पे स्टॉप बोलना है चार बार स्टॉप बोलना है ओके ओके डन एक्चुअली तीन बार सो वी विल मेक फोर पैकेट्स लाइक दिस ओके परफेक्ट सो आई विल रिफिल एंड यू जस्ट से स्टॉप ओके फर्स्ट टाइम स्टॉप हां ओके सो दैट्स द फर्स्ट पैकेट सेकंड पैकेट स्टॉप राइट देयर ओके स्टॉप Right there, third and fourth. Yes. Okay. So, भैया ये आपकी free choices थे, right? Yes, yes. मैंने आपको कहीं पे भी influence नहीं किया. बिल्कुल. कहीं पे भी stop बोलने के लिए, and you literally could have said stop anywhere. Yes. And sorry, cards more. And the top card of each packet are here in my hand. Yes. Right? Yes. आपने अपनी choices से stop बोला. Right? Yes, exactly. Let me reveal what are the four cards. So, oh. These clubs. Oh my God! Amazing. The ace of diamonds, and yes, the ace of spades. I have no clue. ये कैसे हुआ? I literally have no clue. Amazing, यार. That is amazing. Okay. इसके बारे में मैं भी आपको क्लू ना हूं बट नेक्स्ट टाइम अब हम कुछ यू नो व्हाट जितने भी ऑडियंस के मेंबर है ना वो आपका घर ढूंढेंगे और आपको दिवाली भी उठा करके ले जाएंगे यू नो कि उसमें दिवाली में जीतने के लिए दैट इज अमेजिंग यार दैट इज अमेजिंग मतलब आप तो ताश के सारे गेम जीत जाते होगे हां एक्चुअली इसलिए मैं अभी तक तो कैसीनोज में मैं जाता रही हूं बिकॉज़
वहाँ पे मैजिशियंस की एबिलिटीज को देख के फिर वो डाउट करते हैं पहले इंडिया में कैसीनो भी कहाँ है इंडिया में कैसीनो भी कहाँ है गिनती के तो है True that. अच्छा भैया अब हम इन चारों कार्ड्स के साथ कुछ और भी ट्राई करते हैं ठीक है okay. मैं अब इन कार्ड्स को डील करूंगा इस डेक के बीच में कहीं पे okay. Okay? और आपका काम ये है कि आपको सिर्फ काउंट करना है कि मैंने एक एस और एक एस के बीच में कितने कार्ड्स रखे सो बेसिकली टू एसेस के बीच में कितने कार्ड्स हैं ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टेक द फर्स्ट एस एस ऑफ क्लब्स ओके यस एंड आई एम गोइंग टू प्लेस इट देयर सो काउंट 1 एक दो तीन चार पाँच छ सात थर्ड इज वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन फोर्थ इज वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन ओके अब वैसे चारों एसेस इन द मिडल हैं राइट हाँ एग्जैक्टली मेरे हाथ में कुछ कार्ड्स बचे हुए हैं हाँ फोर कार्ड्स आर लेफ्ट इन माय हैंड आप पहले इसके बीच में कितने कार्ड्स हैं भैया छह छह के करीब छह हाँ छह या सात आई हैव द फर्स्ट एस एक सेकेंड मैं प्रोसेस नहीं कर पा रहा हूँ दिस इज एंड आई हैव द फोर्थ एस ओके आपकी ऑडियंस को या आपको भी मे बी लग रहा होगा कि इस डेक में एसेस एक से ज्यादा एसेस है राइट नहीं मुझे ऐसा नहीं लग रहा मुझे मुझे लग रहा है कि यस यू स्पेशलाइज इन कार्ड मैजिक थैंक यू बट फॉर द ऑडियंस लेट मी शो कि इस डेक में एक्चुअली और कोई भी एसेस नहीं है वाओ That is amazing. That was, यार क्या है ये ये that you are master of cards, you know you are master of card magic now. That is amazing. Thank you. For the audience, hold your applause. What if I tell you कि अभी तक मैंने जो भी किया वो सिर्फ एक illusion था. Okay. Right. I just showed you that aces are not in this deck, right? Yes. How many aces do I have? Four. Let's count it. So I have 1, 2, 3, 4. Right? Yes. How many I have? 4. The audience are watching this comment, okay? Haan, comment karke bata sakte hain. How many I have, Pia? 4. 4? Yes. Let's count again. I don't think so. I have 4. I have 1. 2, 3. Haan. I know it's kind of a little bit confusing. Let's count again, okay? So I have 1, 2, 3. Okay. Right? Yes. How many I have? 3. Three. Yes. Check. अबे ये कहाँ गया? ये कैसे है? This is amazing, man. So I have one and I have two, right? How many I have right now? One or two? Two. No, one. है? Simple one. That is amazing. Actually, as I said that I am doing all this an illusion. So all of this was actually an illusion. I don't have any. Wow, that is finest magic I've ever seen. Kamal ka hai. That is amazing, guys. This is what I was talking about. Maine kaha tha na, he is one of the finest magician in India. Mayank, thank you so much for doing this. And jitne bhi audience dekh rahe hain, you know what to do. कमेंट में जाइए बताइए कि मयंक का मैजिक आपको कैसा लगा और मयंक का जो है मैंने इंस्टाग्राम भी नीचे डाल रखा है डिस्क्रिप्शन में उनका जो है यूट्यूब अकाउंट भी डाल रखा है तो उस पर जाइए और सब्सक्राइब करिए उनके सारे मैजिक को देखो यार इतनी मेहनत से मयंक ने मैजिक बनाया है इतने कमाल के मैजिक आप जाओगे आप देखोगे आप कमेंट करोगे आप अपने दोस्तों के शेयर करोगे तो हम लोगों को क्या होता है इंस्पिरेशन मिलता है आप लोगों से ही अगर आप लोग यू नो इंटरेक्ट नहीं करते हो तो हम लोगों को लगता है चाचा छोड़ो यार है ना रहने देते हैं क्यों ही करें तो आपके जो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ बताया करो अगर आपको लगता है कि नहीं कहीं इम्प्रूव करना है तो कमेंट किया करो जब आप लोग कमेंट करते हो चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो जब आप कमेंट करते हो तो हम लोग उससे इम्प्रूवमेंट करते हैं धीरे 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 ऑब्वियस सी बात है हम भी सीख रहे हैं और हम सब लोग मैजिक को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं तो आई विल रिकमेंड यू कि आप कमेंट करें और दूसरा जैसा कि मैंने बोला कि गिव अवे चल रहा है हम लोग कमेंट्स में से ही एक रैंडम जो है कमेंट को गिव अवे में प्राइज़ देते हैं तो प्लीज़ है ना आप लोग पार्टिसिपेट करिए कमेंट करिए मयंक हम लोग क्या करते हैं ना हर
वीक एक कमेंट को एक प्राइज देते हैं, एक सरप्राइज गिफ्ट देते हैं। अभी मैं आईपॉड्स दे रहा हूँ, ईयरपॉड्स दे रहा हूँ, तो उनको दे रहा हूँ ताकि वो लोग भी पार्टिसिपेट करें। ये मैं अपने सभी दर्शकों को दे रहा हूँ, तो आई होप कि सब लोग कमेंट करेंगे और इससे क्या है कि हमारे पास भी फीडबैक आ जाएगा। सो थैंक यू सो मच गाइस एंड थैंक यू सो मच मयंक कि आपने टाइम निकाला। होपफुली मैं आपसे जल्द मिलूंगा बहुत सारे मैजिक के साथ। थैंक यू सो मच गाइस। सो इट वॉज सच एन अमेजिंग एक्सपीरियंस टू सी एन एक्सपीरियंस मैजिशियन मयंक मैजिक, बहुत अच्छा था, मुझे तो बहुत मज़ा आया। तो आपको पता है क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा और मैं किस मैजिशियन को लेके आऊँ अपने शो पे, प्लीज़ बताइएगा। टिल देन गाइस हैव फन।